लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप रेडमिल बिजनेस मॉल में अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे केवाईसी करेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कस्टमर के बैंक अकाउंट से फिंगरप्रिंट के थ्रू बैलेंस कैसे विड्रॉ करेंगे, कैसे बैलेंस इंक्वायरी करेंगे और कैसे स्टेटमेंट निकालेंगे और इसमें आपकी कितनी अर्निंग्स होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप अपनी अर्निंग्स देख लीजिए, जिसके लिए आप यहाँ पे आउट कमीशंस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप एप्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेबल आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने पैसे विड्रॉ करने पर आपकी कितनी अर्निंग्स होगी। जैसे कि अगर आप किसी कस्टमर के बैंक अकाउंट से 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक विड्रॉ करते हैं तो आपको 8 रुपीज प्लस GST अर्निंग होगी। इसी तरीके से आप किसी भी सर्विस की अर्निंग यहां पर चेक कर सकते हैं। कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आप यहां आधार ATM पर क्लिक करेंगे। इसमें यहां पर आप चूज कर लेंगे कैश विड्रॉ, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको कोई एक डिवाइस चूज कर लेनी है फिंगरप्रिंट के लिए, जैसे कि मेरे पास है मंत्रा डिवाइस, तो यहां पर मैं चूज कर लेता हूं मंत्रा। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहां पर आप कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए और यहां पर अमाउंट डाल दीजिए जितना भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं 3,000 रुपए विड्रॉ करना चाहता हूं तो यहां पर मैं डाल देता हूं 3,000 रुपए। कस्टमर की सभी डिटेल्स फिल करेंगे और फिंगरप्रिंट डिवाइस पर कस्टमर का फिंगर रखवाएंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी और फिंगर कैप्चर हो जाएगी। आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और इस अकाउंट से 3,000 रुपए हम विड्रॉ कर चुके हैं। साथ ही यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि इस अकाउंट में अब कितना बैलेंस बाकी है। यहीं पर आपको रिसीप्ट डाउनलोड करने का और शेयर करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं से आप इस रिसीप्ट को कस्टमर को या तो प्रिंट करके दे सकते हैं या फिर आप उसको शेयर कर सकते हैं शेयर पर क्लिक करके। जैसे कि यहां पर मैंने ये स्लिप शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं जितना भी बैलेंस आपने विड्रॉ किया है वो कस्टमर के बैंक अकाउंट से कट होकर आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा और साथ ही आपका कमीशन भी इंस्टेंटली आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब 3,000 रुपए आप कस्टमर को अपने पास से देंगे कैश में। तो इसका काम ऐसे ही चलता है कि जब आपके पास कोई बैलेंस विड्रॉ कराने आता है तो आप विड्रॉ करेंगे, बैलेंस आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा और आप उसको अपने पास से कैश देंगे। इसी तरीके से जब कोई जमा करने आएगा तो आप उससे कैश लेंगे और जो आपके वॉलेट में अमाउंट है इससे आप उसके बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। इसी तरीके से आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, जिसके लिए आप बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर डिवाइस चूज करेंगे प्रोसीड। इसमें यहाँ पर कस्टमर का नेम, कोई भी एक मोबाइल नंबर, बैंक का नेम और आधार नंबर डालेंगे। फिंगरप्रिंट डिवाइस पर कस्टमर का फिंगर रखवाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये कैप्चर कर लेगा फिंगर को और आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि कस्टमर के बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी आपको डाउनलोड रिसीप्ट और शेयर रिसीप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप कस्टमर को ये रिसीप्ट शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो आप मिनी स्टेटमेंट चूज करेंगे और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद डिवाइस चूज करेंगे प्रोसीड। यहाँ पर आपको कस्टमर का नेम, कोई भी एक मोबाइल नंबर, बैंक का नेम, आधार नंबर डालना होगा। सभी डिटेल्स फिल करके आप कस्टमर का फिंगरप्रिंट डिवाइस पर रखवाएंगे, नेक्स्ट करेंगे तो फिंगर को कैप्चर कर लेगा और आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। कस्टमर ने अपने बैंक अकाउंट में कब कितने पैसे जमा किए, कितने निकाले, उसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसमें भी आप रिसीप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं कस्टमर के साथ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको भी मैंने कस्टमर के साथ शेयर कर दिया है और ये है मिनी स्टेटमेंट। अगर आप वॉलेट से बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ कैश वॉलेट पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ ट्रांसफर कैश टू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपको IMPS, NEFT और RTGS तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। IMPS में 7 रुपए का चार्ज लगेगा, 2,00,000 रुपए तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT में 2 रुपए का चार्ज लगेगा, जबकि RTGS में 3 रुपए का चार्ज लगेगा। चलिए हम NEFT करेंगे, इसमें 2 रुपए का चार्ज है। इसके बाद ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो आप उसी बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ कर पाएंगे जो आपने लिंक किया हुआ है रेडमिल बिजनेस मॉल से। आप यहां कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है और 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
यहां से आप इसकी रिसिप्ट भी शेयर कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने कस्टमर के बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं जिसमें आपकी अच्छी अर्निंग्स होगी।